आपको बता दें कि अनुज शर्मा कोलकाता के नए कमिश्नर बने हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, राजीव कुमार पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के चर्चित शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई ने शिलोंग में पूछताछ की थी और हजारों करोड़ रुपए के शारदा चिटफंड स्कैम में सबूतों को नष्ट करने की भूमिका को लेकर राजीव कुमार सीबीआई के निशाने पर हैं। आपको बता दें कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने गई सीबीआई टीम के 5 अधिकारियों को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। सीएम ममता बनर्जी भी इसके विरोध में धरने पर बैठ गई थी और इस धरने में खुद पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार भी बैठते हुए दिखे और उसके बाद लगातार पूछताछ सीबीआई ने की। और अब खबर यह है कि अनुज शर्मा कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर पद से राजीव कुमार को हटा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि ये पूरा का पूरा जब विवाद शुरू हुआ था उस वक्त सीबीआई के जो 5 अफसर थे उनको गिरफ्तार किया गया था पूछताछ के लिए। राजीव कुमार से शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में गए थे और उस वक्त जब पूछताछ नहीं करने दी उसके बाद लगातार ये मसला कोर्ट तक पहुंचा और अब सीबीआई जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है और उसके बाद अब अनुज शर्मा कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं, जो खबर है।